तो चलिए बच्चों, आज आप लोग को बताते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट हो या 100 मार्क्स का कोई भी पेपर हो, उसमें आप लोग का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है, ज्यादातर फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग का दो ग्रुप रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक रहेगा ग्रुप ए, ठीक है, और एक रहेगा ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी। अब समझिए, ग्रुप ए में आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को 3 भाग में बांट देगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा ग्रुप ए का। इसमें एक 5 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, और दो दो क्वेश्चन रहेगा 5 5 मार्क्स का। 5 5 5 15 15 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ग्रुप बी में आप लोग का रहेगा 6 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कितना क्वेश्चन रहेगा? 6 क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन हो गया। अब ये 6 क्वेश्चन में से आप लोग को किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर टू एनी फोर, ठीक है, आंसर टू एनी 4 क्वेश्चन। तो देखिए, इसी में हम आप लोग को बता रहे हैं कि अच्छे से इसको चूज कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में मात्र आप लोग को 4 क्वेश्चन बनाना है। 2 क्वेश्चन क्या करना है बच्चे, छोड़ना है। तो इधर से हो गया 15 मार्क्स, देखिए ध्यान से, इधर से 15 मार्क्स, इधर से हो गया 60 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 75 मार्क्स हुआ ना, और 25 मार्क्स का कॉलेज में होगा। ठीक है, इंटरनल जिसको बोलते हैं, इसमें से 5 मार्क्स अटेंडेंस और 20 मार्क्स का आप लोग का रिटर्न लिया होगा शायद, ये तो पार हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। इसी को बेस मानते हुए आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।